गुरुवार को युवा राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जिला तहसील और ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान युवा राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष उमेश चौधरी ने सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र दिए। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बाबूलाल रालोद के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह, यशपाल बघेल, रविन्द्र नरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिकरवार, सुरेश भगत, योगेश द्विवेदी, जगपाल चौधरी, चेतन मलिक आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने युवा रालोद के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। युवा रालोद घोषित की गई कार्यकारिणी के संबंध में जिलाध्यक्ष बाबूलाल युवा के जिला अध्यक्ष अमित चौधरी और वरिष्ठ नेता कुमार नवीन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, आगामी चुनावों के मद्देनजर जोड़ने का काम किया जा रहा है। आज यूथ के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मनोनयन पत्र देने का था, उसके साथ साथ में राष्ट्रीय लोकदल का एक संदेश भी देना था कि 10 यूथ एक बूथ पर काम ये युवा करें और पार्टी को मजबूत करने का काम करें। हर बूथ पर ये जाएं कि युवा शक्ति है, ऊर्जावान है, शक्ति है इनमें, तो ये जाके अपने बूथ पर काम करने के लिए इन्हें दिशा निर्देश भी जारी किए कि भाई आप जाएँ, क्योंकि मेन बॉडी जो है अब अन्य कार्य कर रही है और जो बूथ पर कार्य करने का काम पहले भी हमारी पार्टी का चला था। क्या माना जाए कि चुनावी तैयारियां शुरू हो गई? निश्चित तौर पर चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने भी अपने प्रोग्राम तय कर दिए हैं। अगले 2 अक्टूबर से वो अपने अभियान पर निकलेंगे, तब तक हम अपने बूथ की तैयारी कर रहे हैं और सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मोबाइल करने की स्थिति में है और कार्यकर्ता हमारा मजबूती से क्षेत्र में जा रहा है, गांव, गरीब, किसान, मजदूरों से संपर्क कर रहा है और वो एक सामाजिक समरसता कायम करके एक गुलदस्ता के रूप में समाज को एकत्रित कर रहा है। जो राजनीति जो चल रही है अन्य पार्टियां धर्म और उसके खिलाफ हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज युवा राष्ट्रीय लोकदल द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर 128 पदाधिकारियों की मथुरा जनपद में हमने नियुक्ति की है। नियुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण प्रोग्राम युवा राष्ट्रीय लोकदल का रखा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसको मद्देनज़र देखते हुए युवा राष्ट्रीय लोकदल ने कमर कस ली है और पूरे मथुरा जनपद में संगठन मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से युवा राष्ट्रीय लोकदल सदस्य अभियान चलाएगा और 10 से 15 गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं और कैंप लगाकर हम लोग नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल में यूथ बढ़ चढ़ कर भाग लेगा और 2022 की सरकार माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में बनेगी, इसको लेकर हम रणनीति बना रहे हैं। 26 तारीख को गोवर्धन विधानसभा में युवा लोकदल की मीटिंग हमने रखी है, 27 तारीख को छाता विधानसभा में मीटिंग रखी है। हमारा पूरा संगठन का, युवा राष्ट्रीय लोकदल का संकल्प है माननीय जयंत चौधरी जी को मजबूत करने का, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का। हम गांव गांव जाकर राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को लेकर हमने मनोनयन पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है। देखिए, मुद्दा तो बूथ का है और जितनी भी देशों में क्रांतियाँ हुई हैं वो युवाओं से ही हुई हैं, चाहे वो रूस की हो, चाहे जर्मनी की हो, चाहे फ्रांस की हो। तो आज माननीय जयंत चौधरी जी ने हमारे उमेश चौधरी को जिले की भागडोर संभाली है, दी है और ये बहुत अच्छी तरह से इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। तो आज जो पदाधिकारी बने हैं ब्लॉक लेवल, न्याय पंचायत लेवल, जिला लेवल और हमारी जो टाउन एरिया हैं उनकी सबों के अध्यक्षों का आज चयन हुआ है। तो आज सभी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी यहाँ पर पदाधिकारियों ने सर्टिफिकेट वगैरह वितरित किए हैं। तो मैं समझता हूँ इससे हमारी युवा ताकत बढ़ेगी और पार्टी का संगठन भी मजबूत होगा। और दूसरी बात यह है सबसे बड़ी कि जैसे और पार्टियाँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो पन्ना प्रमुख करके बना रहे हैं, तो वो तो खैर उनका ज़्यादा ढोंगबाजी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 20 बूथ पर यूथ, पर बूथ, ये हमारा उद्देश्य है और उसी के लिए हम लोग यहाँ सब संघर्ष कर रहे हैं।
और ये जो टीम बनी है इसमें और अगर ऐड करने होंगे तो हम करेंगे और बूथ पे मजबूती से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से जीतती आई है सभी चुनाव, अभी पंचायत के चुनाव हुए आपने देखे वो गुंडागर्दी से जीते हैं उन्होंने, तो हमें बल की ज़रूरत पड़ेगी, ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, लड़ाई नहीं करनी है लेकिन अधिकार अपना पूरा प्रयोग करेंगे हम, इसी के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए आज बनाए मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को।